समोसे खिला दो। बहुत दिन हो गए समोसे खाए हुए। समोसे नहीं खाता हूँ तो पेट नहीं भरता है। आपके अकेले के लिए समोसे नहीं बनाऊंगा, और कोई यहाँ खाता नहीं है, सॉरी। पतलू ये बना सकता है फिर भी नहीं खिला सकता। ये आदमी बड़ा भोला लग रहा है। मैं इसको इस्तेमाल करके इस शहर को बर्बाद करवा सकता हूँ। बिना किसी को बताए पहाड़ी पे आ जाओ, एंजल ऑफ जंगफ्राउ। चलो ये ठीक है। समोसे खाने थे तुमको, ये लो समोसे खाओ। आपको कैसे पता? मैं एंजल ऑफ जंगफ्राउ हूँ, मुझे सब पता है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तो मैंने सोचा तुम्हारी इच्छा पूरी करनी चाहिए। एंजल जी थैंक यू वेरी मच। तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं चाहता हूँ तुम जंगफ्राउ के लोगों की मदद करो, और मैं तुम्हें पेट भर के समोसे खिलाता रहूं। बोलो क्या बोलते हो? एंजल भैया, मदद के लिए समोसों की कोई जरूरत नहीं, बोलिए क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं, शहर के बीचों बीच जंगफ्राउ के हेड ऑफिस में जाना है। उसकी दीवार के पास जमीन खोद के ये बोरा गाड़ देना है। इसमें एप्पल के बीज है। कल सुबह तक हर घर में एप्पल के पेड़ लगे होंगे और लोग एप्पल खा रहे होंगे। एंजल भैया, अगर आप जैसे दो चार और एंजल हो जाए ना, तो दुनिया का नक्शा ही बदल जाए। लेकिन किसी को बताना मत, बताओगे तो इसका सारा असर काम नहीं करेगा। नहीं बताऊंगा। अरे मैं तो थक गया। ये बिल्डिंग भी सरकारी बिल्डिंग है, तो इसमें ही गाड़ देता हूँ। एंजल जी की पावर से सब ठीक हो जाएगा। हो गया। पतलू चलो चलो शहर में चलते हैं। मैंने सपना देखा है कि घर घर में एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, सब लोग एप्पल खा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे, घर घर में एप्पल कैसे उगेंगे? अरे छोड़ो सारी बातें, चलो ना चलो ना। अरे ये क्या, एक भी पेड़ नहीं, ये कैसे? अरे किधर है एप्पल, सपना तो सपना ही होता है। अरे यही तो बैग गाड़ा था। आप लोग ठीक तो हैं? आप लोगों को चोट तो नहीं लगी? चोट तो बहुत लगी, लेकिन हम लोग ठीक हैं। वाह ये कैसे हो गया, ये तो चमत्कार हो गया, सच में कमाल हो गया। वैसे भी ये बिल्डिंग तोड़नी थी और यहाँ एक नया गवर्नमेंट का हेड ऑफिस बनाना था, और ये अपने आप टूट के गिर गई। और पता नहीं किसका काम है ये।
जरूर कोई एंजल ऑफ जंग फ्राउ होगा जो सबका भला चाहता है। मैंने तो हेड ऑफिस कहा था और बोरा तो यहाँ गाड़ दिया उसने। एंजल जी, आपका सपना पूरा नहीं हो पाया। अरे किसी ने तो वो बिल्डिंग ही उड़ा दी। अरे मैंने तुम्हें जंग फ्राउ हेड ऑफिस बोला था, तुमने दूसरी बिल्डिंग में बोरा क्यों गाड़ दिया? एंजल भैया, आपको पता है कि वो हेड ऑफिस नहीं था। मुझे पता है कि वो हेड ऑफिस नहीं था, लेकिन बीजों को तो नहीं पता था। बीजों को तो जमीन के नीचे से घरों में जाना था, वो गए नहीं। क्या बोल रहा है ये? नो प्रॉब्लम, ये बोरा लो और पहाड़ी पे जो डैम है उसके बीचों बीच ये बोरा फेंक देना। इस बार गलती ना हो, लेक के बीचों बीच बोरा फेंकना। ओके एंजल भैया, इस बार लेक के बीचों बीच बैग फेंकूंगा। कहाँ गया? कोई बात नहीं, चलो लेक में ही गिरा होगा ना। काम तो हो गया, इस बार मैं सही जगह आया हूँ, गलत जगह नहीं आया। एंजल जी बहुत खुश होंगे। आओ ना पतलू, मुझे इधर का ही सपना आया था। कमाल है, कहीं भी हरियाली नहीं है। हाँ मोटू, मोटू तुम ये क्या कर रहे हो? ये बार बार तुम्हें सपना क्यों आ रहा है? चलो डैम तक चलते हैं, वहाँ होगी हरियाली। अरे यार, इसको आखिर हुआ क्या है? अरे फिर से ये ब्लास्ट कैसे हुआ? भागो यहाँ से! फिर से आप? अरे वाह वाह वाह, ये तो कमाल ही हो गया। हम तो सोच ही रहे थे कि इस रास्ते से एक कैनल निकाले जिसकी वजह से शहर के हर एक घर में डैम का पानी बहुत आसानी से पहुंच जाए, पर इतनी सारी रुकावटें थी कि बस हम सोचते ही रह गए। अभी तक ये सब कुछ प्लानिंग स्टेज में ही था और पता नहीं किसी ने तोड़ दिया। वाह वाह, किसने तोड़ा ये? सच बताओ तो आप ही हमारे एंजल हो। जहाँ भी जाते हो हमारा कोई ना कोई काम तो बन ही जाता है। एंजल भैया इस बार भी गुस्सा होंगे। मोटू क्या छुपा रहे हो? सच सच बताओ, वरना अभी धुनाई हो जाएगी तुम्हारी। बताता हूँ, हुआ यूँ। अच्छा, तो कोई तुम्हें उल्लू बना रहा है? ऐसा क्या? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम्हें कुछ सोचो। आइडिया। क्या करूं मैं तुम्हारा? तुम्हें मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो तुम करते क्यों नहीं? तुमने फिर से गलत कर दिया। अरे पर एंजल जी, आप तो एंजल हैं, आप सब तरफ बीजों को बिखरा क्यों नहीं देते? ये मुझे बार बार क्यों भेजते हैं? तुम्हें मैं किस तरीके से समझाऊं? सुना है यहाँ कोई एंजल ऑफ जंग फ्राउ है, वो जंग फ्राउ की मदद कर रहा है। हमें सुन के अच्छा लगा। हाँ हाँ, ये है ये है। अरे अब ये कौन है? वरवाले ने बुलाया है, हमें हर जगह के एंजल्स की जरूरत है। आओ हमारे साथ चलो। अरे नहीं, दूर रहो मुझसे। सच सच बताओ, प्लान क्या है? बताता हूँ, सच सच बताता हूँ। मैं शहर को खाली करा के पूरी जमीन पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए यहाँ के हेड ऑफिस में ब्लास्ट करवा के सबके लैंड रिकॉर्ड बर्बाद करना चाहता था, फिर डैम तोड़वा के सबको बहा देना चाहता था। लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। मेरी फूटी किस्मत कि मैंने तुम्हारा साथ लिया।
तुम इतने बेवकूफ भी नहीं जितने दिखाई देते हो। वो बेवकूफ नहीं, भोला है और दिल का अच्छा है, इसलिए ऊपर वाला हमेशा उसका साथ देता है। चलो अब ऊपर वाले से डायरेक्ट बात करना। माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो मुझे। छोड़ दिया? अरे पकड़ो मुझे प्लीज। नहीं नहीं, मेरा मतलब मुझे मत छोड़ो, मुझे पकड़ लो। डिसाइड कर लो, पकड़ना है कि छोड़ना है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, फाइनल है, मुझे पकड़ो, पकड़ो मुझे, लेकिन धीरे धीरे नीचे उतारो। मिस्टर मोटू, मिस्टर पतलू, थैंक यू वेरी मच। ये जैक्सन है, बहुत ही बड़ा खतरनाक अपराधी। आपने इसको पकड़वा के जंग फ्रो को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। और हाँ, मैंने उस दुकानदार को बोल दिया है, आप जब चाहे जितने चाहे पेट भर के समोसे खा सकते हैं।